मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीचा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस की बहुत पसंद आए। तेजस फिल्म के बुरे हाल पर कंगना रनौत ने हाथ जोड़कर दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की। इस पर अभिनेता प्रकाश राज ने उन्हें जबरदस्त तरीके से धो डाला। इतना ही नहीं, कंगना रनौत के पुराने बयान भी सामने आ गए जब वो बॉलीवुड को रिजेक्ट करने की बात किया करती थी। कंगना का ये पुराना ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने कहा था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट भी काम करते हैं और भांड भी काम करते हैं। यहाँ बॉलीवुड भी है जिसके नाम को हॉलीवुड से चुराया गया है। इस घटिया शब्द को बॉयकॉट करिए, इंडिया रिजेक्ट बॉलीवुड। कंगना बॉलीवुड को रिजेक्ट करने की अपील किया करती थी लेकिन दर्शकों ने उनकी फिल्म को ही रिजेक्ट कर दिया। फिल्म का ये हाल देखकर वो लाइव आई और उन्होंने दर्शकों से अपील की। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत शुरू से है। अभिनेता प्रकाश राज ने भी कंगना के इस हाल पर कटाक्ष करते हुए कहा, इंडिया को अभी 2014 के बाद ही तो आजादी मिली है, थोड़ा इंतजार करिए, फिल्म पिकअप कर जाएगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार तमल साह ने भी कंगना रनौत के दर्शकों के सामने गिड़गिड़ाने पर कहा, किसी कलाकार की नाकामी को सेलिब्रेट करना सही नहीं है, लेकिन इस महिला ने आत्ममुग्धता और अहंकार की हर सीमा पार कर दी थी। पहले बयान दिया कि भारत को सच्ची आजादी 2014 में मिली और आज वे सबके सामने उनकी फिल्म देखने की गुहार लगा रही है। इसलिए जो लोग 2014 से पहले एक स्वतंत्र और ईमानदार भारतीय के रूप में मौजूद थे, उन्होंने उनकी फिल्म और उनके प्रचार को खारिज कर दिया है। हाई एंड माइटी द्वारा फिल्म का प्रमोशन करने के बाद भी वैक्सीन वार्ड ने 11 करोड़ से कम की कमाई की थी। लोगों ने घर पर रहने और सुरक्षित रहने का फैसला किया है। कंगना के साथ भी लोगों ने घर पर रहने और उनके घृणित प्रचार से दूर रहने का फैसला किया है। देश के पत्रकार और कलाकारों के कंगना रनौत पर ऐसे कटाक्ष दिखाते हैं कि प्रोपोगंडा करने वाले कलाकार बहुत लंबा सफर तय नहीं कर सकते। कंगना रनौत ने अच्छे एक्टिंग के दम पर कामयाबी का सफर तय किया लेकिन उनके उल जलूल बयान और एक विचारधारा को नीचा दिखाने की वजह से कंगना ने करोड़ों लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई, जिसका नुकसान अब उनके कैरियर को हो रहा है। तो दोस्तों, आप कंगना रनौत की फिल्मों के इतने बुरे हाल के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।